बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीवन इज़ फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट व्हाट इज़ एंजाइम एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वी वांट टू अंडरस्टैंड द what is enzyme and also discuss about their character and structures of enzymes. So what is enzyme? Basically enzymes is a substance which is produced in living organism and which act as a catalyst and bring about a specific change in our body and perform a specific biochemical reactions. ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वो बेसिकली कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं और वो बेसिकली हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या रहे, बरकरार रहे और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहे। तो ये एंजाइम्स क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर एज अ बायोकैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट, दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन इन नेचर एंड दे हैव द ग्लोबुलिन शेप। बिकॉज दे प्रोड्यूस इन ओवर लिविंग बॉडी, दैट्स वाई दे आर कंसिडर एज अ बायो कैटलिस्ट। और आपको पता है कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, स्पीड अप अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस। जो भी है ये क्या करेगा, कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे, दैट्स वाई दे आर कंसिडर एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे हैव परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट दे स्पीड अप अ बायोकेमिकल प्रोसेस। एट द एंड दिस एंजाइम्स आर अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड। ये जब रिएक्शन कम्प्लीट हो जाता है, जब बायोकेमिकल प्रोसेस में जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ताकि मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखा जा सके, तो ये जब पूरा प्रोसेस एक्ट मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एंजाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी, कोई भी जो मतलब जितनी अमाउंट में ये प्रोड्यूस हुआ था उतनी अमाउंट में ये रिमेन रहता है। एंजाइम खुद अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, ये रिमेन अनचेंज रहता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए सलाहियत रखता है उसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा, ये किसी और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। अगर हम फर्दर बात करें तो एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द चेंज ऑफ पीएच इन अ मीडियम। अगर तो आप एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बहुत ही जो है, हमें पता है ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर इसका शेप है, अगर हम पीएच अगर मीडियम का चेंज होता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो जो है एंजाइम्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रहेगा और जिसकी वजह से एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द अमाउंट कैन ब्रिंग अ लार्ज चेंज इन अ सबस्ट्रेट। बेसिकली जब एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यूज होती है और जो आपका जो सबस्ट्रेट जो बहुत ज़्यादा जो आपकी रिएक्शन में बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके साथ हो रहा है, रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो मौजूद है उसकी जो लार्ज अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो जो बायो आपके पास एंजाइम है जिसको हम एंजाइम्स कह रहे हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो सबस्ट्रेट की जो लार्ज अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर एक्शन, सम टाइम दे रिक्वायर द कोफैक्टर्स। कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको कुछ इजाफी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जो उनके साथ अटैच होते हैं और उनके फंक्शन को जो है वो इन्हांस करते हैं,
उनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं, जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स फंक्शन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ द सब्सट्रेट ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा। जो आपके पास अमाउंट है सब्सट्रेट की, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है एंजाइम्स की, अगर सारी एक्टिव साइट सब्सट्रेट ने जो है ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो भी अमाउंट की क्या होगी कि हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड है उसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दिया है तो फिर भी क्या होगा कि जो है एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। जारी बात है, एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा कर देंगे। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जिनको हमने फर्दर जो है डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी तो हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनमें कौन कौन से जो एंजाइम्स की क्या ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये क्या हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली एक्टिव साइट जो है वो रिएक्शन साइट है। वेयर द रिएक्शन टेक्स प्लेस दे टेक पार्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बाइनिंग द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड दे कन्वर्ट दैम इन टू अ प्रोडक्ट। दिस एक्टिव साइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल रीजन, डैट इज बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। तो हमारे पास जो बेसिकली एक्टिव साइट जो है वो हमारे पास रिएक्शन साइट है या कैटालिटिक साइट है, बेसिकली जिसने सबस्ट्रेट के साथ कम्बाइन करना है और उसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। और इस जो एक्टिव साइट है इसके पास दो फंक्शनल रीजन्स होती हैं, जिसको हम एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक को कैटालिटिक साइट कहते हैं। अगर हम ये पिक्चर से अगर देखें तो हमारे पास ये प्रोटीन, ये हमारे पास जो एंजाइम बना हुआ प्रोटीन इन नेचर है, उसमें अगर आप देखें ये जो आपको ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है ये बेसिकली बाइंडिंग साइट है, और आपको ये जो रेड कलर में शो हो रहा है वो कैटालिटिक साइट है। जो बाइंडिंग साइट है दे आर है, और ये जो आपको ब्लैक कलर में आपको ये जो नज़र आ रहा है बेसिकली क्या है, सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट जो होता है बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाता है तो इसकी क्या करते हैं, ये जो बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएगा आपके साथ ये पूरा एंजाइम का मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन ही नेचर है, प्रोटीन का बना हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब जब आपके साथ एक्टिव साइट पे उसकी कौन दो फंक्शन यूनिट्स थी, एक को हमने बाइंडिंग का है और एक को कैटालिटिक साइट का है, जब आपके साथ ये जो सबस्ट्रेट है आपका बाइंडिंग साइट के साथ अटैच्ड हो जाएगा तो ये उसकी ओरिएंटेशन को ऐसा सेट करेगा कि कैटालिटिक साइट इसको साथ रिएक्ट करे और इसको क्या करे, कन्वर्ट करे प्रोडक्ट में। और जब ये इसकी ओरिएंटेशन सबस्ट्रेट की ऐसी हो जाएगी कि ये इसको कैटालिटिक साइट के लिए इजी हो जाएगा कि वो इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। बेसिकली जब ये बाइंड हो जाता है और जब ये कैटालिटिक साइट के पास जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होता है, और वो क्या क्या बेसिकली क्या होता है, जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है जो क्या होगी सबस्ट्रेट को तोड़ने में क्या है कि वो लोअर डाउन कर देगा और सबस्ट्रेट इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो ये तो था एक्टिव साइट प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके दो फंक्शनल रीजन्स होते हैं, जिसको एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक को कैटालिटिक साइट कहते हैं। अब अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को डिस्कस करें तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स में, एक को हम एपो एंजाइम कहेंगे और एक को होलो एंजाइम कहेंगे। पहले हम एपो एंजाइम को डिस्कस करते हैं। द पार्ट ऑफ द एंजाइम, the proteinous part of the enzyme which is known as apoenzyme, जो आपके पास enzyme के अंदर सिर्फ proteinous, जो proteinous part है उसको हम क्या कहेंगे, apoenzyme। if अगर इसके साथ cofactor या मुख्तलिप जो हैं आप समझे कोई और further कोई non proteinous part attach हो जाए तो फिर वो apoenzyme नहीं रहेगा। तो ये आपने key point याद रखने, जो प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है, जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम कहते हैं। और जब आपके पास कोफैक्टर या नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो फर्दर उसको इन्हांस करता है, एक्टिविटी को इन्हांस करता है एंजाइम की, अगर वो अटैच हो जाता है तो वो एंजाइम जो है जिसमें कोफैक्टर प्लस प्रोटीनियस पार्ट अटैच है वो एंजाइम आपका क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम कराएगा। इसको हम
फर्दर डायग्राम से डिस्कस करें तो अगर मैं ये हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें, ये मेरे पास एंजाइम के स्ट्रक्चर में प्रोटीनियस पार्ट है। अगर तो आपसे एमसीक्यूज में आ जाए कि ओनली द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज, तो आपने लिखना है एपो एंजाइम। द करेक्ट ऑप्शन इज एपो एंजाइम। अगर आपके पास जो एमसीक्यूज बनकर आ जाए कि द प्रोटीनियस पार्ट प्लस द क्रो फैक्टर आर अटैच टूगेदर, देन दिस आर कंसिडर एज, वो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस में आएगा? तो आपने याद रखना है, जब भी आपके पास को फैक्टर या को एंजाइम या आपके पास जो है प्रोटीनियस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन पोर्शन के अलावा जो है उसके साथ फर्दर को फैक्टर या को एंजाइम्स अटैच्ड हुए हैं, देन दे आर कंसीडर एज अ होलो एंजाइम। तो ये अक्सर पूछा जा सकता है कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फ़र्क है। तो आपने याद रखना है कि एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीनियस पार्ट होता है एंजाइम का, और जो कि होलो एंजाइम है वो होल एंजाइम के पूरा होल जो स्ट्रक्चर एंजाइम का बनता है, जिसके अंदर को फैक्टर को एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं उस पूरे स्ट्रक्चर को। इस अब अगर हम देखें इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें आपके पास को एंजाइम भी अटैच है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम कहेंगे। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि जब एपो एंजाइम आपके पास जो एंजाइम का वो स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट है और फर्दर नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कुछ भी अटैच नहीं हुआ हुआ, तो वो बेसिकली क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है। और जब ये इसके साथ को फैक्टर और आपके पास नॉन प्रोटीनियस पार्ट में को फैक्टर हो गया या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच हो गए या मेटल आयन अटैच हो गए, तो वो एक आपके पास जो नया स्ट्रक्चर बना है जिसको हमने होलो एंजाइम किया, वो बेसिकली आपके पास एक्टिव फॉर्म में होता है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेप्सिनोजिन की एग्जांपल कंसीडर की गई है। पेप्सिनोजिन जो अब हम आपके वो पता है कि पेप्सिनोजिन जब गैस्ट्रिक जूस आपकी बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन में इन्वॉल्व है, पेप्सिनोजिन जब रिलीज होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट है। जब उसमें से आप समझे उस ये हमारे पास पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन जो है वो बेसिकली क्या है, आपके पास एपो एंजाइम में वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है। जब उसका जो है जो पोलिस जब उसके जब वो चला जाता है स्टमक के अंदर, तो आपने ये बात याद रखनी है कि उसमें से जो एक्स्ट्रा उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और पेप्सिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर, और वो आपकी एक्टिव फॉर्म होती है कि वो क्या करता है कि वो दे आर फिर वो जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसकी डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। तो ये तो हमारी जो बुक के अंदर जो थी पेप्सिनोजिन की एग्जांपल दी गई थी, और उसके अंदर आपको ये समझाया गया है या बताया गया है कि जो आपके पास जब एपो एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन फॉर्म में मौजूद होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब वो जब वाल ऑफ स्टमक में पहुंच जाता है, स्टमक में जब वो पहुंच जाता है तो उसके जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसकी जो वो रिमूव कर दी जाती है, और जिसकी वजह से वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके पास होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें वो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेशन किस फॉर्म में चला गया, एक्टिव फॉर्म में चला गया, होलो एंजाइम में चला गया, और वो फिर फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये तो थी हमारी टेक्स्ट में एग्जांपल दी गई है, टेक्स्ट बुक में हमारी एग्जांपल है, और ये इसके जनरलाइज स्ट्रक्चर है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में जो खाली प्रोटीनियस पार्ट है उसको हम एपो एंजाइम बोलेंगे, और जब इसके साथ को फैक्टर या को एंजाइम या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मेटल आयंस जब अटैच हो जाते हैं तो जो नया एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम्स बोलेंगे। तो अगर हम इस चार्ट के ज़रिए इसको डिस्कस करें तो हमने अभी तक देखा कि एंजाइम क्या है, वो बेसिकली आपके पास प्रोटीनियस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम होलो एंजाइम कंसीडर करते हैं। अगर तो वो उसमें अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच नहीं है तो फिर हम एपो एंजाइम कहेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें होलो एंजाइम को हमने कंसीडर किया, सिंपल किया जाए, तो सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होगा, को फैक्टर या मेटल आयंस वगैरह मौजूद नहीं होंगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि इस होलो एंजाइम में से जो प्रोटीनियस पार्ट था उसको हमने एपो एंजाइम बोल दिया, और को फैक्टर्स की फर्दर जो है डिविजन्स हैं उनकी दो फर्दर ग्रुप्स हैं, एक को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और एक को कोएंजाइम कहते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, अगर तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं
तो उसके लिए आपने याद रखना है कि जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं को इंजाइम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके पास मेटल आयंस और या नॉन प्रोटीनियस पार्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मेटल आयंस अटैच हो रहे हैं तो आप उसको आप क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो हमने इसकी जो दो मेन डिविजन्स की हैं, एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप का है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपके पास वो कंपाउंड्स मौजूद है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जो कोएंजाइम में आपके पास कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि को फैक्टर्स के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, जिसमें एक को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और एक को हम कोएंजाइम्स कहेंगे। और इसमें की पॉइंट ये है कि अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है तो वो हमारे पास कोएंजाइम बना देगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है तो वो हमारे पास जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप बन जाएगा। तो अगर हम अब को फैक्टर्स को डिफाइन करने हैं, डेफिनेशन की बात करें, तो हम कैसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दे आर बेसिकली द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द इंजाइम, और ये जो को फैक्टर्स हैं इसके अंदर मेटल आयंस और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दे परफॉर्म बेसिकली द ऑन ऑफ स्विच फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम। जब ये अटैच हो जाते हैं तो इंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जब तक ये अटैच नहीं होते तो आपका इंजाइम एक्टिव नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हमने अभी पहले भी बात की कि को फैक्टर्स की दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक को हमने प्रोस्टेटिक ग्रुप कहा है और एक को हमने जो है को इंजाइम कहा है। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें मेटल आयंस भी अटैच हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक जो भी आपके पास मेटल आगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कवलेंटली अटैच हो जाता है, और ये जो है इतनी आसानी से डी अटैच नहीं हो सकता, ये कवलेंटली अटैच होता है और ये जो अटैच देगा पूरे कंप्लीशन तक, रिएक्शन के कंप्लीशन तक ये उसके साथ अटैच देगा। तो ऐसी अटैचमेंट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर मेटल आयंस इसके साथ अटैच हो जाते हैं मैग्नीशियम और जिंक को में, तो आप ऐसे उन मेटल्स की वजह से इनको हम मेटल एक्टिवेटर्स भी कहेंगे। और ये आपके पास जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स है उसको जो है मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है फॉर देयर जो है फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है जो रेस्पिरेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये लूजली अटैच्ड होते हैं, और बेसिकली जो विटामिन हो गए या तेरे डेरिवेटिव जो विटामिन हैं वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और वो बेसिकली क्या फंक्शन एक्ट कर रहे होते हैं, कोएंजाइम्स के तौर पे फंक्शन कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारे पास था। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और इसी तरह मुख्तलिफ हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और अगर इनकी भी अगर डेफिशिएंसी होते हैं तो हमें मुख्य किस्मों की डिजीज हो सकती है, जैसे बेरी बेरी जो है इज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी, अगर जो अगर हमारे पास विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें यह डिजीज़ कास हो सकती है। तो ये तो था कोएंजाइम्स के बारे में। कोएंजाइम्स का की पॉइंट यही है कि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए और वो लूजली अटैच होता है टू द एंजाइम। और जब और आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी ये को फैक्टर्स जो है इंजाइम जो प्रोटीनियस पार्ट के साथ जब अटैच होता है तो उसका जो होल स्ट्रक्चर बनता है उसे हम होलो इंजाइम्स कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा है आज स्ट्रक्चर्स ऑफ इंजाइम्स के बारे में। फर्दर हम इसको डायग्राम से भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास सिंपली सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट है तो उसे हम एपो इंजाइम कहेंगे, अगर उसके साथ को इंजाइम भी अटैच है, को फैक्टर भी अटैच है, तो उसको हम इस होल को क्या कंसिडर करेंगे, होलो इंजाइम कंसीडर करेंगे। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम इसके जो मुख्तलिफ मॉडल्स दिए गए हैं कि ये कैसे इंजाइम फंक्शन करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।